हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी बज रहे हैं लगभग मॉर्निंग के 9 एंड निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मौसम मतलब बदला हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कल इवनिंग में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। तो इस ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट किए थे। एंड आप लोग सोच रहे होगा कि यार, इसके चैनल पे तो लगभग 120 के आसपास अभी सब्सक्राइबर्स हैं, पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हो। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार, इसके चैनल पे लगभग तो 120 ही सब्सक्राइबर, फिर ये बंदा 1000 सब्सक्राइबर के बाद कहाँ कर रहा है। तो गाइस, मेरा एक और चैनल है स्ट्रॉलिंग सौरभ करके, जिसमें अभी 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसकी मैं जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि कितना टाइम लगा था। तो गाइस, आप लोगों को बता दूँ, एकदम ऑनेस्टली बता दूँ, भाई 500 सब्सक्राइबर करने में लगभग 6 से 7 महीना लग गया था। उसके बाद 600-700 लगभग ऑलमोस्ट 7-8 महीने लग गया था, इधर उधर शेयर करके, फ्रेंड उरेंड जमा हुआ करके। कुछ कुछ वीडियोस में व्यूज भी जाते थे स्टार्टिंग में, तो 500 से पार ही नहीं जाता था। फिर थोड़ा टाइम बाद 150-200, थोड़ा थोड़ा रेंज बढ़ने लगा। तो स्टार्टिंग का यही प्रोसेस था, सब दोस्तों को शेयर करते थे, वो लोग से व्हाट्सएप में, फेसबुक में अपना लिंक शेयर करवाते थे। इसी तरह फ्रेंड्स जुड़ते 700 सब्सक्राइबर तक मुझे याद है, 700 सब्सक्राइबर मैंने ऐसा ही कंप्लीट किए थे। उसके बाद एक मेरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगभग 1 या 1.5 लाख व्यूज़ गए थे। उसके बाद से मेरे 3-4 वीडियो मतलब वायरल हो गए थे, तो 1,60,000-90,000 इसी तरह कर करके मतलब इसी तरह करके अचानक से मेरे 800 से सीधा 3000 सब्सक्राइबर हो गए थे। 3000 के बाद फिर बीच में रुक गया था, फिर 4000 करने में थोड़ा टाइम लगा, वही लगभग 3-4 महीने। उसके बाद फिर से वीडियो ऊपर गई और देन वहाँ से सीधा 7000। अब और अभी कुछ टाइम में 10K भी कंप्लीट होने वाला है, तो जस्ट देखते हैं कब वीडियो फिर से निकलता है बूस्ट। इसमें क्या होता है ना गाइस, कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अगर आप लोग कंटिन्यू काम करते हो तो चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो अभी फिर से अपने शॉर्टकट वाले रास्ते के पास आ गए हैं। एंड गाइस, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यही प्रोसेस है स्टार्टिंग का, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके तो लिंक शेयर कीजिए यहाँ वहाँ, जिसको फ्रेंड वेंड के पास लिंक शेयर करके किसी तरह सब्सक्राइबर गेन कीजिए। स्टार्टिंग में पहली बात है कि वीडियोज़ तो देखना को चाहते नहीं है, फ्रेंड्स बस जाएंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके सीधा वापस आ जाएंगे, ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी शेयर करना है, क्योंकि भाई फ़ायदा तो अपना हो रहा है ना, तो फिर भी शेयर करना है और कंटिन्यू वीडियो डालना है। आप दिन में चूज कर लो, 2 दिन में डालोगे, 3 दिन में डालोगे, 4 दिन में, जैसा। हफ्ते में 3-4 वीडियो डालने का कोशिश करो, फिर देखना वीडियो जाएगी ही, व्यूज़ मतलब बढ़ेंगे ही। खास करके जल्दी चैनल ग्रो करना है तो गाइस क्या बोले, मतलब करंट टॉपिक से ब्लॉग बनाओ। जैसे अभी पूजा चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, उस पर ब्लॉग बनाओ, देखना व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। तो गाइस, हमारे एरिया में भी काम चल रहा है, तो देख सकते हैं रास्ता कैसे खुदवा दिए हैं। एंड हमारे भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाय भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जा रहे हैं ऑफिस? ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस कांटा टोली मिलते हैं। ठीक, बाय। मॉर्निंग में गए तो रोड क्रॉस करने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि सारे लोग ऑफिस जाते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, बहुत हार्ड वाला भीड़ होता है।
दूसरे ऑटो में बैठ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता हो, अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो लाइक जो मेरी हमारी कंपनी वो बहुत सारे स्कूल्स के लिए काम करती है, तो आज मुझे दूसरा स्कूल विजिट करना है, तो वहीं पर फिलहाल जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को कि कैसे यूट्यूब पर क्या करना है, लाइक 1000 सब्सक्राइबर कैसे कम्प्लीट करने हैं। बाकी यही बोलूँगा कि मतलब वीडियोस आप लोग कंटिन्यू डालते रहो, फिर देखना बहुत सही रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।